जब तक स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के घर की अपनी यात्रा से लौटे, तब तक स्वर्ग में हर कोई यह जान गए थे कि उद्धारकर्ता के जन्म की घड़ी आ पहुंची थी। स्वर्गदूतों का गायक दल मानव जाति को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन पृथ्वी पर मरियम इस उत्सव को मनाने की मनोदशा में नहीं थी। जब तक वह एलिसिबा के घर से लौटी, तब तक वह 3 महीने की गर्भवती थी और उसकी गर्भावस्था दिखाई दे रही थी। वह डर गई और स्वयं को लोगों से छिपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह कोई नहीं समझेगा। यूसुफ भी अपना कुछ काम पूरा करके घर लौटे तो उसने देखा कि मरियम गर्भवती है, तो वह अत्यधिक हैरान और बहुत दुखी हुआ। उसने मरियम से पूछा, यह क्या हुआ? मरियम ने यूसुफ को वह सब कुछ बताया जो प्रधान स्वर्गदूत ने उससे कहा था, लेकिन यूसुफ उस पर विश्वास न कर सका। यह असंभव लग रहा था। यूसुफ बहुत परेशान था। व्यवस्था के अनुसार मरियम को पथरवाह करना पड़ता क्योंकि वह शादी किए बिना ही गर्भवती हो गई थी, लेकिन यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति होने के कारण वह नहीं चाहता था कि मरियम के साथ ऐसा हो। उसने सबसे अच्छा तरीका सोच निकाला कि मरियम को चुपचाप तालाक दे ताकि मरियम बच जाए। और जब वह इन विचारों को सोच रहा था, उसे नींद आई और वह सो गया। और उसने एक स्वप्न देखा और उसके स्वप्न में प्रभु का एक दूत उसे दिखाई दिया और कहा, हे दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में घर ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अपनी नींद से उठकर यूसुफ को एहसास हुआ कि यह न सिर्फ एक स्वप्न था बल्कि उससे बढ़कर था। अब वह समझ गया था कि मरियम को परमेश्वर ने कुमारी होने के लिए चुना था जो पवित्र बच्चे को जन्म देगी। उसे उसके अभिभावक होने और पवित्र बच्चे की रक्षा करने का विशेषाधिकार दिया गया था, जिसे इमैनुअल कहा जाएगा। सो मरियम यूसुफ के घर में सुरक्षित रहने लगी। कुछ समय बाद जब मरियम के जन्म देने का समय निकट था, रोमन सम्राट सीजर अगस्तुस ने एक फरमान जारी किया कि रोमन साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक की जनगणना की जाएगी। अब यूसुफ और मरियम दोनों राजा दाऊद के वंश के थे और इसलिए उन्हें बेतलहम जाना पड़ा, जो कि राजा दाऊद का पैतृक गांव था। सो यूसुफ ने अपने गधे पर यात्रा के लिए काठी बांधी और मरियम को उस पर बैठाया। उसका एक बेटा गधे को हांकते हुए उन्होंने बेतलहम की ओर अपनी लंबी यात्रा आरंभ की। जब वे बेतलहम के निकट पहुंचे तो मरियम को प्रसव पीड़ा होने लगी, लेकिन वे अभी भी एक रेगिस्तानी जगह में थे और बच्चे को जन्म देने के लिए उनके आसपास कोई सुरक्षित जगह न थी। यूसुफ ने चारों ओर देखा तो उसे पास में एक गुफा दिखाई दी। वह तुरंत मरियम, अपने बेटे और गधे को वहां ले गया। फिर वह एक दाई को ढूंढने बेतलहम गया ताकि मरियम को उसके बच्चे को जन्म देने में मदद मिल सके। जब यूसुफ रास्ते में ही था, तब अचानक उसने अपने चारों ओर कुछ अजीब सा होते हुए देखा। उसके चारों ओर सब कुछ खामोश हो गया, इतना कि हवा भी बहना रुक गई। उसने ऊपर देखा और देखा कि पक्षी
अपनी उड़ान में अचानक रुक गए हैं। आगे की पहाड़ियों पर भेड़ें अब गतिहीन खड़ी थीं। समय ठहर सा गया था। तब यूसुफ समझ गया कि क्या हुआ है। पवित्र बच्चे का जन्म हुआ था। जो चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे, उनके चारों ओर का आकाश एकाएक चमकीला प्रकाश से भर गया और यहोवा का एक दूत उनके सामने यह कहकर खड़ा हुआ, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। स्वर्गदूतों का गायक दल एक स्वर में गाना शुरू किए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जैसे ही यूसुफ दाई को वापस गुफा में ले आया तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक चमकीले बादल ने गुफा को छा लिया था और उसे चौका चौंध भरी रोशनी से भर दिया था। फिर प्रकाश धीरे धीरे मंद हो गई, यह प्रकट करने के लिए कि मरियम अपने नवजात शिशु को पाल रही है। और आकाश में एक नया सितारा दिखाई दिया जो पहले कभी न देखा गया था। दाई अपनी खुशी को अपने भीतर न रख सकी और अपने दोस्त सलोमी को ले आई ताकि वह भी इस अद्भुत बालक की गवाही दे। जब ये दाइयां मरियम की मदद कर रही थी, सलोमी ने एक और आश्चर्य कर्म को देखी कि प्रभु ने मरियम को चंगा कर दिया था। ठीक वैसे ही मरियम जैसे वह पवित्र बच्चे को गर्भधारण करने के पूर्व थी, भविष्यवाणी अब पूरी हो गई थी। कुंवारी ने उसे जन्म दिया था जो परलौकिक है। पृथ्वी ने गुफा को उसके सामने प्रस्तुत किया जो पहुंच से परे है। स्वर्गदूतों ने चरवाहों के साथ मिलकर उसकी महिमा की। ज्योति सी एक तारे द्वारा उसके पास जाते हैं इसलिए कि हमारे लिए एक नया बच्चा उत्पन्न हुआ था, सर्व युगों से पहला परमेश्वर, पहला मानव आदम और हवा की अवज्ञा के माध्यम से स्वर्ग का दरवाजा बंद कर दिया गया था और पाप और मृत्यु का दरवाजा खोला गया था। और दिव्य अवतार के रहस्य के माध्यम से उस अनंत जीवन को अनुभव करने के द्वारा अब पूरी मानवता के लिए द्वार खोला गया था।